ये जो सेल्फ सैबोटेज होता है ये अलग अलग तरीकों से होता है। अलग अलग तरीकों का क्यों हो गया? क्योंकि डिपेंड करता है आपके अंदर कौन सा साइन है, आप क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं कुछ मोटे मोटे तौर पे अगर मैं ऐसा क्लासिफिकेशन दूं तो लेट इट बी, सबसे पहले हम लेते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन सेल्फ सैबोटेज, यानी कि जो काम करना है वो तब ना करके उसकी जगह हम कोई और काम करने लग जाते हैं, जानबूझ के हम उस काम को टालते हैं। आप सोच के देखिए, आपने अपना जीवन में एक गोल बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया, वो चाहे हमने मटेरियलिस्टिक लेवल पे बनाया या स्पिरिचुअल लेवल पे बनाया, लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं, हम उसको टाली जा रहे हैं, हम एफर्ट ही नहीं कर रहे। तो एक हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, एक हमारा होता है परफेक्शनिज्म सेल्फ सैबोटेज। परफेक्शनिज्म में क्या आ जाता है, हम सुनेंगे तो हमें लगेगा कि अरे परफेक्ट होना गलत बात थोड़ी ना है। बिल्कुल दोस्तों, परफेक्ट होना गलत बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हम परफेक्शन सीकर हो जाते हैं तो वो पता है क्या करेगा, वो हमें किसी काम को करने ही नहीं देगा। हम इतना सोचेंगे कि नहीं, पहली बार में ही जो मैं काम करूँ वो एकदम सही होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा नहीं आने चाहिए। जबकि दोस्तों, वी शुड ऑलवेज कीप रूम फॉर मिस्टेक्स, ऑफकोर्स वी शुड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा सोच लेंगे कि अरे मेरे से तो जीवन में कभी कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसमें कोई गलती मेरे को तो करनी ही नहीं है, तो हम इतने ज़्यादा परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं कि उस काम को स्टार्ट करने में ही हमारा बहुत समय लग जाता है। और यहाँ पे मैं किसी और का नहीं, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म सेल्फ सैबोटेज की थी, मतलब एक मेरे अंदर भी ये गुण रहा जिसको कि मैं अभी गुण बोल रही हूँ। और मेरे साथ क्या होता था कि मुझे कोई भी प्रोजेक्ट करना है, मुझे कोई भी कहीं पे किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन देना है, तो मैं जब उसको अपने दिमाग में ही सोचती थी, मैं इतनी ज़्यादा परफेक्शन के उसमें रहती थी कि मुझे कितना टाइम उसको सोचने में लग जाता था, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। मैं यानी कि इजी वे में चीज़ों को नहीं ले पाती थी। और मैं क्या कर रही थी, इट इज़ नॉट अबाउट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो हम कर ही रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो परफेक्शनिज्म का एक सेल्फ सैबोटेज मेरे में होता था, जिसकी वजह से मैं अपनी टीम को भी बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर भी मैं प्रेशर रखती थी कि नहीं मुझे तो ये ऐसा ही चाहिए, मुझे तो मतलब बिल्कुल मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अरे इससे तो मैं क्या हो रहा है, मैं अपने आप को अपने गोल से दूर रख रही हूँ। इट इज़ ओके टू बी रॉन्ग, कोई बात नहीं, आप जैसा होगा, जितना कोई कर रहा है, आप उसमें धीरे धीरे हम चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। तो मैंने भी दोस्तों अपने आप को इस सेल्फ सैबोटेज से अपने आप को मैंने दूर किया है। इसी में थर्ड हम ये लेके चलते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग सेल्फ सैबोटेज। अगर हम अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए हम अपने आप को देखते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है मैंने ये गलती करी है, मुझे इस गलती को नहीं करना है, तो वो सही बात है। लेकिन अगर हम अपने आप को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे, अरे ये आपने कैसे कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, अरे आपसे तो ये होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम उस काम की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, हम अपने गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई। तो हम क्या करेंगे, हम अपने लिए बहुत नेगेटिव बोलेंगे। जब हम अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे तो मेरी एनर्जी भी डिप्लीट होगी, जब एनर्जी डिप्लीट होगी तो फिर मेरे एफर्ट्स कहाँ पर काम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एक हम ले सकते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज सेल्फ सैबोटेज, यानी कि हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जैसे कि हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे लाइफ में कुछ फेजेस आते हैं, ठीक है, हम छोटे होते हैं, हम घर में होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, हमारी अलग अपनी प्रॉब्लम्स हमारी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनके अंदर जो हमारे अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है। अब कई बच्चे होते हैं जो बहुत सारी लर्निंग ले लेते हैं, कई बच्चे होते हैं जो लर्निंग को नहीं ले पाते हैं, वो चुप होना शुरू हो जाते हैं, वो पीछे पीछे रहना शुरू करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और हम कभी उसके ऊपर काम ही नहीं करते हैं।
इसी तरीके से ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है ये हमारे ऊपर भी होता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमको ये लगा, हमें किसी ने बताया कि सुबह उठ के आपको मेडिटेशन करना इज़ वेरी एडवाइजेबल। अब हमको लगता है अरे नहीं बाबा, मेरे से तो सुबह 5 बजे नहीं उठता, मैं तो 7 बजे उठ के इतना काम करना होता है घर का, मैं 5 बजे कैसे करूं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको कोशिश भी नहीं करते हैं। तो हमें किस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से एक सेल्फ सैबोटेज क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ केयर, जिसमें दोस्तों हम पता है क्या करते हैं, हम अपनी सेल्फ केयर करनी छोड़ देते हैं। वो सेल्फ केयर अगर आप समझें तो खान पान, हमारी हेल्थ, हमारा एक्सरसाइज जो भी है, हमारा मेडिटेशन करना। और कभी कभी दोस्तों पता है क्या होता है, हम एडिक्शन में चले जाते हैं। वो एडिक्शन हमारा गैम्बलिंग का भी हो सकता है, ओवर स्पेंडिंग का भी हो सकता है, वो ड्रग्स का भी हो सकता है। तो उसमें नुकसान किसका होता है, वो हमारा होता है। जब हम ओवर स्पेंडिंग सुनते हैं तो कभी कभी हमें लगता है ये कैसे सेल्फ सैबोटेज हुआ। बहुत सारे लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि जब हम बहुत एंजाइटी में होते हैं, परेशानी में होते हैं ना, आई स्पेंड मनी, हम बड़ी सारी शॉपिंग करते हैं। तो डू यू थिंक कि ये हम सही कदम उठा रहे हैं? उस समय हम क्या करने लगते हैं, वी स्पेंड अवर मनी फुलिशली, हम अपने पैसे को बस यूं ही खर्च किए जा रहे हैं। तो ये भी एक हमारा सेल्फ सैबोटाज में ही आता है। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया ये होता क्या है, इसके मेन साइंस क्या हैं, ये कितने टाइप्स का होता है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर निकलना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और इससे बाहर कौन निकलेगा, इसके लिए आप ही निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये एफर्ट कोई और नहीं कर सकता, आपका काम कोई नहीं करेगा, ये आपको ही करना होगा। क्यों, क्योंकि ये कोई हमारी पर्सनालिटी नहीं है, ये सिर्फ एक सेट ऑफ बिहेवियर है, ये एक पैटर्न है, ये हमारा एक पैटर्न बन गया है कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको खुद को, अपने आप को इस पैटर्न से बाहर निकालना है।